अस्सलाम वालेकुम। मैं ये वीडियो बनाना चाहती हूँ इसके लिए कि मैं सबको बताना चाहती हूँ कि आफरीन की शादी हो चुकी है और वो लोग ने निकाह कर लिए है और वो उसके ससुराल में है। और आफरीन से और सरजिल से जैसे मैंने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाली हूँ कि वो लोग से मेरा कोई लेना देना नहीं है और ज़िंदगी में कभी इन दोनों से मेरा कोई लेना देना रहेगा नहीं। और मोस्टली तो सबको पता है कि आफरीन का निकाह हो चुका है, फिर भी मेरे से पूछते हैं आफरीन किधर है, आफरीन क्या है, क्या हुआ। तो थोड़ा मेरे को दुख होता है कि मैं सबको जवाब क्या दूं, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और एक माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है ना। और मोस्टली तो आप लोगों को पता है कि सब चीज़ में बाहर वाले तो कम खानदान वाले ही बोल बोल के मार देते हैं, है ना। ये हर एक बोलते ना, हर एक घर का दस्तूर है। तो जितने बड़े हरामी खानदान वाले रहते उतने बड़े तो कोई नहीं रहता है। तो सब में बड़ी नीच तो मेरी बेटी थी जो पूरी मेरी इज्जत की धज्जा उड़ा दी, क्योंकि मैं एक बहुत बेकार माँ हूँ ना। मैं बेकार माँ इसके लिए हूँ कि आफरीन उमरा करके आई तो बोलती मेरी अम्मी मेरे को उमरा करके आई तो टॉर्चर कर रही। टॉर्चर मैं किस लिए कर रही हूँ, क्योंकि तू उमरा करके आई है तो सरजिल से कम मिल, घर में नमाज पढ़, इबादत कर, जल्दी उठ। तो मैं ही बेकार माँ हूँ, मैं ये चीज बोलूंगी ना तो मैं बेकार माँ हूँ। और वो लोग सब सही है। अभी 20 साल मैंने मेरी बेटी को बचपन से पाली पोसी, हर एक ख्वाहिश पूरी करी। ठीक है, वो बोल रही सोशल मीडिया पे जैसे दिखते है वैसे पीछे नहीं है। तो जो मेरे को सोशल मीडिया पे तो दिखते ही है, जो मेरे को पीछे देखते है, पीछे भी मेरी कम पहचान नहीं है। सोशल मीडिया तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब तो अभी अभी चालू हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे पहले मेरी जो मेरे को पहचानते रहेंगे, काफी पहचान है मेरी, तो सबको पता है मैं कैसी हूँ और मेरे बच्चे लोग को मैंने कैसा पाली पोसी। भले मैं कुछ भी करी, उल्टा सिल्टा काम करी, कुछ भी करी, कुछ भी करी, लेकिन मैंने मेरे बच्चे लोग को हथेली पे रखी थी। तो आज उसका बहुत मेरे को अच्छा नतीजा मिला है ना। क्या बोलूँ, मेरे पास तो बोलने कुछ अल्फाज नहीं है। और सरजिल को तो मैं बचपन से पहचानती थी, अभी नया तो नहीं पहचानी, लेकिन आप लोग को पता है मैं हर वीडियो में बोलती थी मेरा बेटा नहीं दामाद है। लेकिन सब में बड़ा मेरा दुश्मन अगर कोई था तो वो था सरजिल, है ना। मेरे को नहीं पता था कि मेरे पेट के पीछे ऐसा छुरा घोपेगा और इतना नीच दामाद मेरे नसीब में रहेगा। खैर कोई नहीं, वो तो अगर मैं माफ भी कर दू ना तो अल्लाह उन लोग को कभी नहीं माफ करेगा। आज आफरीन बोल रही ना मेरी माँ मेरे को टॉर्चर करती है, तो मैं आप लोगों को बता दूं मैं बुरी माँ हूँ, मैं इसके लिए टॉर्चर कर रही हूँ क्योंकि मैं नमाज पढ़ने बोल रही हूँ। और आप लोगों को पता है कि जब उमरा करके आए हैं बच्चे लोग तो वो लोग को 40 दिन इबादत करना चाहिए, सर पे दुपट्टा रहना चाहिए, और क्या ही बोलूं मैं, 40 दिन क्या करना चाहिए। और आप लोगों को पता है चाहे जैसा उमरा करके आए उसके दूसरे तीसरे दिन सरजिल की दुकान का वीडियो डाली जाके। हाँ तो मेरे को क्या गाँव दुनिया बोलती नहीं है, मेरी मार्केट में पहचान नहीं है, कि मेरी इज्जत नहीं है, क्या नहीं है। तो एक माँ होने के नाते मैं तो इतना बोल सकती हूँ ना। और मैंने उसके अब 6 महीने में शादी, मतलब उसकी माँ को और सरजिल को बुला के, जिस दिन मेरे आफरीन घर से गई, शायद 20 तारीख या 19 तारीख थी ये महीने की, तभी मेरे आफरीन दोपहर को मैं बुला के सरजिल को उसकी माँ को बुला के मैंने बोली थी कि मैं ये लोग का निकाह पढ़ा दे रही हूँ, निकाह करा देंगे गर्मी की छुट्टी में। तो मैंने क्या वो गलत बोली, जबकि मैंने 2 साल का टाइम ली थी कि मेरे आफरीन की पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, मेरे पास भी थोड़ा मेरे हाथ में अच्छे से पैसा रहे, कि मैं जैसी मेरी ख्वाहिश थी मैं उसके इससे अच्छे से धामधूम से शादी करूं, कि मेरे बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए ठीक है बाप नहीं है तो माने नहीं करी कुछ। आप लोगों को पता मैं मंगनी इतने अच्छे से करी, सब चीज अच्छे से करी, तो क्या मैं शादी नहीं कर सकती थी। लेकिन बोलते ना जिसके नसीब में जितना जैसा लिखा रहता वैसा होता ही, चाहे कुछ भी कर लो, है ना। तो वो मैंने गलत करी। और 2 दिन पहले मैंने मेरे ससुराल में गई, मेरी सास लोग को बोली, जब उधर आफरीन भी थी। अगर मेरी सास लोग को बोली और मेरे घर पे मेरी माँ भी इन लोग को बोली मैं इसकी शादी करा रही, तो क्या लोग बाहर वाले थे क्या। और शबनम पठान वो तो बोलती ना मेरा साया है, वो मरते दम तक मेरे से जुदा नहीं हो सकती, है ना। ये सबको अच्छी तरह पता है कि वही उसको छोड़ के मैं कोई चीज करती नहीं हूँ। और आज जो इतने मैं इतना मेरे को दिमाग आया है, सब कुछ आया है एक शबनम पठान के वजह से। हाँ वो उसको चाहे हमारे रिश्ते को कोई कुछ भी समझे, कोई कुछ भी गलत फहमी ले, कुछ भी ले, वो हमको फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मुझे पता है कि जब से वो मेरी जिंदगी में आई है, मतलब मेरे बोलते ना एक अच्छा दोस्त, अगर एक आदमी का कोई अच्छा दोस्त मिलता है तो बोलते हाँ वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है, उसके सुख दुख में खड़े रहता है, बहुत अच्छा उसका दोस्त है। अगर कोई औरत का एक अच्छा दोस्त मिल गया तो वो गलत हो गया, है ना।
हमको कोई अच्छा दोस्त मिलता है, अच्छी राय देता है, तो वो गलत हो गया। अगर ये घर, अगर वो मेरे को दिमाग नहीं देती, ताज मनोज सोलंकी के नाम पे होता, तो लोग ने मेरे को दिमाग दिए कि घर तो तेरे नाम पे ले आ गई, ये घर तेरे को काम आएगा, तेरे मरने के बाद तेरे बच्चे लोग को मिलेगा। तो मतलब सपना पठान गलत है ना। और मनोज सोलंकी ने तो मेरे लिए कुछ नहीं करा था, मेरे नाम पे बैंक बैलेंस नहीं था, जब कुछ के सब कुछ मेरा, और मेरे नाम पे बैंक में अकाउंट नहीं था, कुछ भी नहीं था। मतलब मैं तो अनपढ़ हूँ, तो मेरे को इतना सब ये सब चीज में नॉलेज है नहीं, अभी भी नहीं है मेरे को। और अभी शबनम पठान है तो मेरे को सब चीज बताती है, कैसा क्या करने का, कैसा क्या नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने एक मेरे को दोस्त अच्छा दिया, लेकिन उसको भी सब गलत समझते है, लेकिन मेरे को फर्क नहीं पड़ता है ना। पहले तो मनोज सोलंकी ने बोला, क्योंकि वो मेरे को घर का बताई, तो उसके नाम पे अगर लोन निकालेगी तो उसके नाम पे होगा, क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस नहीं है कुछ, मेरे नाम पे लोन नहीं निकलेगा। तो उसने मेरा सब करा के दी, बैंक बैलेंस करा, ये करा। इसीलिए मनोज सोलंकी की भी आंख में खटकती थी कि ये यार आके गया बीच में, आए मेरा पत्ता कट कर दी, क्योंकि वो अच्छे दोस्त है तो मेरे को अच्छी राय देगी। अगर आदमी का कोई अच्छा दोस्त रहेगा तो आदमी को सही राय देगा ना, नहीं ये औरत बार वाली है, ये औरत गलत है, तो उसका छोड़ दे, तेरे को बर्बाद कर दे, ये कर देगी। तो सब लोग बोलते हाँ उसका अच्छा दोस्त था, अच्छी राय दिया। अब शबनम पठाने लोग ने सबने मेरे को अच्छी राय दी, तो लोग गलत हो गए। और आज मेरे बच्चे लोग को भी कोई भाना नहीं मिला ना आफरीन को, और ये सरजील को जो नीच, एकदम नीच पालो बा खानदान, एकदम नीच, तो उसने भी गलत फेम उठाया। लेकिन उसको नहीं मालूम है कि शबनम पठान आज तक जो चुप है ना, मेरी वजह से चाहे तो वो भी लोग की धजी उड़ा सकती है। और मैंने तो छूट दे दी, तो मेरा मुंह मत देखना, देखो जो करने का कर। तो आफरीन सबको बोलती है मेरी माँ टॉर्चर करती, मैं उमरा करके आई तो मेरे को टॉर्चर करती है। तो मेरे पास इतने ज्यादा नोट आए थे क्या, कि मैं इतना उस खर्चा करके, मैं खुद नहीं गई, मैंने उसको भेजी मेरी माँ और मेरी सास के साथ में कि तू जा करके। हाँ मतलब मैंने तो मेरा फर्ज निभाई कि मेरे बच्चे लोग को उमरा करी। और जब मैंने आफरीन को बोली थी जब मेरा मेरे को उमरा करने जाएगा, आफरीन तू उमरा करने भेजी, क्योंकि ये लोग के यूट्यूब के इतने सब पैसे आते, मैंने हराम बराबर आफरीन से यूट्यूब का एक भी पैसा ली रहेगी, कभी पूछी भी नहीं कि बेटा तेरे बैंक बैलेंस में कितना पैसा है। मैंने कभी उन लोग का एक रुपया नहीं खाई हूँ, हराम बराबर है अगर उन लोग का एक रुपया भी मैंने ली रहेगी तो। हाँ तो क्या बोल रही थी मैं कि आफरीन का ऐसा बोला मेरी माँ टॉर्चर करती है, तो ठीक है ना, मैं तो टॉर्चर करूंगी भाई, मैं एक माँ हूँ, और मैं क्यों नहीं बोलू कि सुबह जल्दी उठ, क्योंकि मेरे घर में कुछ काम नहीं है। मेरे घर में काफी लोग आते रहेंगे, आप सबको पता है कि मेरे घर में क्या काम है। सुबह खाना बनाने वाले अलग है, शाम को खाना बनाने वाले अलग है, सुबह झाड़ू पोता ले आती है, कपड़ा धोने वाली रहती है, कपड़ा सुखा के रस्सी पे से निकाल के बेडरूम में भी रखती है, और वो बेडरूम का कपड़ा शाम को दूसरी काम वाली आती है, जब खाना बनाने वो घड़ी करके सब अपना अपना अलग अलग रखती है, स्त्री का अलग डालती है। मेरे घर में कोई काम, दो बार झाड़ू पोता, दो बार बर्तन, दो बार खाना बनाने वाली, कपड़ा धोने वाली, हालांकि अभी मैं बाथरूम धोने वाले भी अलग रखी हूँ, मेरे घर में कोई काम का मतलब टेंशन नहीं है। तो मैं क्या चीज से टॉर्चर करती हूँ। हाँ मेरी आफरीन बोलती है सिर्फ माँ, मेरी माँ सोशल मीडिया पे हम लोग को भी लाड़ प्यार करती है। ठीक है ना, 20 साल से मैं ही सोशल मीडिया पे सबको दिखा के लाड़ प्यार कर रही थी। ये 4 दिन की चांदनी है, बाद में बेटा मालूम पड़ेगा माँ क्या होती है और सास क्या होती है। और तेरी सास कैसी ना मुझे अच्छी तरह पता है, अभी से नहीं पहचानती मैं खानदान को, पहले से पहचानती हूँ मैं, है ना। और हाँ और मैं क्या बोल रही थी, क्या आफरीन सबको बोलती है मेरी माँ टॉर्चर करती है, अभी क्या ही बताऊ क्या ही बोलू, तो तेरे पास बताने को है ही क्या। हाँ बुरी माँ हो ना, तो मैं बुरी माँ हूँ। बुरी माँ बोलती है बेटा कमा के ला, मेरे को बैठे बैठे खिला, मैं तुम लोग की कभी भाड़ नहीं खाई हूँ। हाँ और बच्चे की तबीयत खराब रहेगी तो 20 साल से सर्जिल उसको देख रहा था, मैं नहीं देख रही थी। अब जब से सर्जिल मिला है तो सर्जिल को बताएगी तो ही उसको पता चलेगा ना, मेरे को बताएगी तो मेरे को पता चलेगा, क्योंकि मैं घर में ज्यादा रहती नहीं हूँ, सबको पता है क्योंकि मेरे को बाहर तो आना जाना पड़ता ही है। अब मेरे को बताएगी तो मेरे को पता 20 साल से चल रहा था, अब तो सर्जिल को बता रही है, और सर्जिल गाँव दुनिया का बोलता है उसकी माँ तबियत खराब रहती, पूछती नहीं है, तू जुम्मा जुम्मा 4 दिन वेला है, तेरे को मालूम मेरे से ज्यादा उसका। हाँ और हम माँ बच्चे के बीच में झगड़ा लगाता है कि मेरी बेटी, मैं आफरीन से ज्यादा प्यार नहीं करती हूँ, सोफी से करती हूँ, ये करती हूँ, ये जुम्मा जुम्मा 4 दिन झाटू को आके हुए लाए, ये मेरे को सिखाएगा। मैं तेरे को बचपन से देखती हूँ बेटा कि तू कितने पानी में, लेकिन मैं मेरी बेटी के आगे मजबूर हो गई थी, है ना। और सब में नीच बोले तो ये पालोबा खानदान, सब में नीच। और मेरी बेटी के लिए मैं कितना कर रही थी ना, क्या कर रही थी, ये मरियम आपको अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी, ये सबको अच्छी तरह पता है।
और मेरे को अच्छे से कराने का था, इसके लिए मैं यास्मीन आपा है, जो यास्मीन आपा केडी, उनको भी मैं बोली, आपा खाने का भी उनसे भी मैं बजट ली थी, सब ली थी, चार जगह और पूछी मरियम आपा से, सब फर्नीचर का, डाक डागिने की डिजाइन, कितना डागिना बनाने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ, सब मरियम आपा को, सब सबको पता है कि मैं कितने अच्छे से करने वाली थी। तो मैं बुरी माऊ है ना, आजकल का 4 दिन का सरजी लायला, वो इसकी जिंदगी में सब कुछ है और ये माँ कुछ नहीं है। तो उसका अजर बेटा तुम लोग को अल्लाह देगा। और एक खानदान, सरजली खानदान को भी अच्छी तरह मालूम है कि मैंने मेरे बच्चे को कैसा पाली हूं। हाँ, तो इसका अजर। और मेरे मैं बता दूं, मेरी बेटी की निकाह में मैं नहीं गई थी, हमारा कोई घर वाला नहीं गया था, क्योंकि मेरे को चीज छुपाने से मेरे को और 50 चीज छुपाना पड़ेगा। बता दूं कि ये लोग कोई, हम लोग के कोई घर वाला नहीं गया था, जब मेरे आफरी मेरा घर छोड़ के गई और सरजिल ने उसको उसके घर पे लेके गया, तो उसकी अमानत थी। मैं बोली तुम लोग निकाह पढ़ा दो, हम लोग कोई आएगा भी नहीं। और उसका मामा और छोटा मामा और उसकी छोटी खाला और क्या ही बोलू, उसकी माँ, सब इतने बेकार नीच लोग है ना, कि जिस दिन मेरा ये लोग से पाला पड़ा ना, या तो मैं मर जाऊंगी या ये लोग को छोड़ूंगी नहीं मैं। मेरे दिल में ये लोग इतना बैठे, जबकि मैंने उन लोगों को इतनी इज्जत दी थी, सर पे बिठाई थी इधर, कि मेरी बेटी का ससुराल है, मेरी बेटी का ससुराल है, लेकिन ये साले नीच लोग ससुराल बोले, लेकिन नायक के भी नहीं है। ये लोग ने आज मेरा जैसा दिल दुखा लेना, अल्लाह ये लोग का ऐसा दिल दुखाएगा, अल्लाह ये लोग को इससे आगे लाएगा, ये लोग भी कभी खुश नहीं रहेंगे। आज मेरी बेटी तो जिंदगी में खुश नहीं रहेगी, और सर जल्द देखना उसको खून के आंसू रुलाएगा। और आज मेरी बेटी को जितना अच्छा बन के बता रहा है ना, उतना वो अच्छा है ही नहीं। मुझे पता है कि वो कैसा है, क्योंकि मैंने, मेरे देवर ने, सबने उसको बचपन से देखे कैसा है। तो मैं एक बुरी, बहुत बुरी माँ हूं मैं, मेरे बच्चे लोग की अच्छी परवरिश नहीं करी, अच्छे से उनको पाली पोसी नहीं। तो मैं बहुत बुरी माँ हूँ। ये पालो माँ खानदान को ना मेरी बदुआ है, कभी ये लोग खुश नहीं रहेंगे, ना उसकी छोटी खाला, ना उसके बच्चे, ये लोग के बच्चे कभी खुश नहीं रहेंगे। ये लोग ने मेरे इतना दिल दुखाया, आज तलक का मैंने 20 साल से पाली पोसी, आज निके के टाइम पे आफरीन के बाप को फोन कर रहे हैं, हाँ वो सरजील आफरीन निकाह में आओ, क्यों? अब तलक का मैंने सब कुछ करी, आप लोग ने देखे मैंने मंगनी अच्छे से करी, ठीक है। सोशल मीडिया पर बोल रहे ना, सोशल मीडिया के बाहर भी काफी लोग मेरे को पहचानते हैं, सबको पता है मैंने मेरे बच्चे कैसे रखे कैसे नहीं। तो बोलती ना कि आज आज के बाद मेरे से कोई क्वेश्चन करना नहीं, और पहले खानदान वाले तो मेरे से कोई कुछ पूछना नहीं, आपने क्यों करी, क्योंकि खानदान वाले को आपने सब बरोबर बता रही है, कब शादी हुई, कब वलीमा है, सब बता रही है, लेकिन मेरे को उंगली करने के लिए, जो बोलते ना जिसके दिल पे बीतती है ना उसको मालूम है, जो जान का जला रहता है ना उसको और जलाती है पब्लिक। आज मेरे आपने ने सबको मेरे पे उंगली उठाने का मौका दी, तो आपने, तू तो जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेगी, कभी खुश नहीं रहेगी, अल्लाह तेरे को खून के आंसू रुलाएगा। और जितना भी आज मेरे पास जो कुछ भी है, उसमें सिर्फ मेरी सोफी और सलमान का हक है, आपने का मेरे कोई एक एक चीज से कोई लेना देना नहीं है। फिर इनका सरजिन मादर चोत खून के आंसू रोएगा, वो साला भड़वा, उसको उल्टा समझना चाहिए मेरा आदमी नहीं है, मेरा बेटा सलमान छोटा है, तो उसको मेरे से कंधा मिला के चलना चाहिए था। आप लोग को देखे होंगे मैं उसको जिधर भी लेके गई, दामाद बन के नहीं, बेटा बना के लेके गई थी मैंने, क्योंकि मैं सब कुछ उसका जानती थी। तो बहुत दिखा रहा है ना, आज मेरी बेटी से सच्चा प्यार करता है, मेरे को मालूम है क्या करता था क्या नहीं करता था, लेकिन बोलते ना हर कोई माँ बाप बच्चे से हार जाता है। खैर, मैं बहुत बुरी माँ हूँ, मैंने कुछ अच्छा नहीं करी, बंदा भाई अगर माफ भी कर दो ना, अल्लाह लोग को कभी माफ नहीं करेगा, एक माँ की ना बदुआ लोग को कभी खुश नहीं रहेंगे, ना ही सर्जिल के माँ बाप खुश रहेंगे, खून के आंसू रोएंगे लोग, खून के आंसू। और उसका छोटा मामा और उसकी खाला कभी खुश नहीं रहना, अल्लाह ने लोग को बहुत कुछ दिया लेकिन अल्लाह ने लोग को भी खुशी नहीं दिया है, क्या मेरे को पता नहीं, लोग के खानदान के बारे में सब कुछ पता है, और अल्लाह लोग को जिंदगी में कभी खुश नहीं रखेगा। मैंने लोग दोनों को बड़ा समझी थी कि लोग हाँ इंसाफ करेंगे, लेकिन सब में अजगर अस्तिन के ना गए लोग दोनों निकले। और उसकी माँ, मेरा आफरीन
है ना, तो खून अल्लाह करे ना मेरे अपने लोगों को खून का आंसू रुलाना चाहिए।